हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। और आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर बोटन स्ट्रीम पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी में आरआरबी 2021 के प्रीलिम्स को फेस करने जब आप जा रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अपने को, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक में से एक है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इसको करने में टाइम भी बहुत कम लगाना है अपने को। तो ये कैसे होगा, इस पर आज हमारा सेशन है और आज हम इस पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस को ले जा करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है और उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। देखिएगा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है इस पर बात करता हूँ। देखिएगा, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, जब बोट और फ्लो, पानी का फ्लो और बोट दोनों अपोजिट हों, यानी कि आप देख रहे हैं बोट इस तरफ जा रही है और पानी इस तरफ बह रहा है, तो उस केस में इसको हम बोलते हैं स्पीड इन अपस्ट्रीम, राइट, जो कि क्या होता है x माइनस वाई, क्योंकि स्पीड ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी बोट की। बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम बहुत सिंपल है कि फ्लो और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम कहते हैं x प्लस वाई, राइट। तो आप देखेंगे वॉट इज एक्स वॉट इज वाई, एक्स इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में नाव की गति क्या है, और y is the flow of water, ये x है और ये क्या है, y है, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, sd plus su by 2, y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, sd minus su by 2, राइट। ये दो चीजें हो गई, एक तो ये दो इक्वेशंस और दूसरे नंबर पे x और y कैसे शॉर्ट में निकालेंगे, बिना पेन पेंसिल उठाए अपने को निकालने की कोशिश करनी है, समझना है। दूसरी चीज आप जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप देखेंगे कि su यानी कि स्पीड इन, या डाउन स्ट्रीम कर लीजिए पहले, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बाय स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अगर आपको ये पता है, ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा कि इस टाइम इन अप स्ट्रीम क्या होगा, टाइम इन डाउन स्ट्रीम का उल्टा होगा, यानी कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, टाइम के इन्वर्स के रेशियो में आएगा। तो आप देखेंगे हमेशा टाइम क्या होता है, अपस्ट्रीम में ज्यादा लगता है, उसका कारण क्या है, गाड़ी की जो बोट है उसकी स्पीड कम हो जाती है, डाउनस्ट्रीम में कम लगता है। तो ये रिलेशन ध्यान रखिए। इसका एक बेनिफिट क्या है, अगर मुझे एक्स और वाई निकालना है, उसका रेशियो निकालना है, तो इसमें सी एन डी लगा दीजिए, कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड टू लगा दीजिए, एच डी प्लस एस यू अपॉन एच डी माइनस एस यू इज इक्वल टू टी अपस्ट्रीम प्लस टीन डाउन स्ट्रीम अपॉन टीन अपस्ट्रीम माइनस टीन डाउन स्ट्रीम, राइट। इससे हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें स्पीड ऑफ बोट पता है इन स्टिल वाटर और फ्लो ऑफ वाटर पता है, तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशियो मैं फटाफट कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम पता है तो मैं कॉम्पिटेटिव डिविडेंडो लगा करके बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरी चीज क्या होता है, कई बार मुझे डाउनस्ट्रीम दिया जाता है और मुझसे अपस्ट्रीम पूछा जाता है फ्लो ऑफ वाटर बता करके, तो आप देखिएगा कि डाउनस्ट्रीम में से ट्वाइस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर माइनस करेंगे तो स्पीड इन अपस्ट्रीम आ जाएगा। क्यों आएगा, आप देखिए ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, अगर इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू को माइनस किया जाए तो एच डी माइनस एस यू क्या आएगा, टू वाई आता है। इससे मैंने ये कहा, इसको दिमाग में सेट कीजिए, इन चीजों को सबको दिमाग में सेट कीजिए पहले। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस आपका 10 मिनट बिल्कुल 100% आपको देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के जरिए मैं इसको समझाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आया, क्या है आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन सुने। द स्पीड ऑफ बोट व्हेन द ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम यानी कि एच डी गिवन है, ठीक है ना, लिखना नहीं होता है, मेंटली आपको करना है, बट मैं तो क्या आपको समझाने के हिसाब से यहां पे लिख रहा हूं। वेयर इज द ट्रेवलिंग इन अपस्ट्रीम, एस यू गिवन है, अपस्ट्रीम गिवन है, ठीक है, कितना है 28 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि मुझे एक्स चाहिए, एक्स चाहिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स अगर मुझे चाहिए तो एक चीज समझो आप, इसको जोड़ करके आधा कर दिया जाए, यानी कि 32 प्लस 28 बटा दो तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा। 30 ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर है। अगर मुझे y निकालना है, फ्लो ऑफ वाटर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंस का आधा कर दूंगा, इसका डिफरेंस है 4, इसका आधा करूंगा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अब देखो कि दो आ गया फ्लो ऑफ वाटर, अगर आप इसमें जोड़ेंगे एक्स में जोड़ेंगे तो देखो 32 बन रहा है, और कम करेंगे तो 28 बनता है। समझ में आया यहाँ तक? बहुत बेसिक चीज है, इसमें मुझे ये चीज ध्यान रखनी है कि एच डी प्लस एस यू जोड़ा और उसका आधा किया तो एक्स आ जाएगा, और घटाया और आधा किया तो वाई आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, आपको वही करना है, पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, रुके हुए पानी में, यानी कि एक्स बता रहा है वो आपको कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। इट कवर्स अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस 45 किलोमीटर इन 6 आवर्स, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड दे रहा है 45/6, कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब एक चीज सोचो कि ये x माइनस वाई अपने पास में है, x माइनस वाई यानी कि इसमें से कितना कम हुआ है, ढाई कम हुआ है, तो y की वैल्यू कितना हो गई, ढाई हो गई, राइट। समझ में आया? अब ये पूछता है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम कितना है, ढाई है, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सिंपल है, मेंटली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो इजी से अपन डिफिकल्ट की तरफ पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यार एच डी अपने को बता दिया उसने 16/2 है, यानी कि कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम टेक 4 आवर्स, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है, सेम डिस्टेंस से 4 आवर्स में कवर होता है 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में स्पीड क्या है, यानी कि एक्स कितना है, तो जोड़ करके आधा करना है, तो 8 + 4/2 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ में आ रहा है? ऑप्शन बी आंसर है इसका, ठीक है। अब देखेंगे कि अगर मुझे वाई निकालना होता, फ्लो ऑफ वाटर निकालना होता, तो डिफरेंस का हाफ कर देता, तो 8 - 4, 4/2 कितना हो जाता, 2 किलोमीटर पर आवर। इसको समझिए, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एक्स गिवन है। द स्पीड ऑफ करेंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है इसका सम, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर से 15 मिनट में कितना होगा, तो 15 मिनट का मतलब हो गया 1/4, कितना आएगा, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। ऑप्शन बी आंसर है, राइट। बहुत सिंपल है, इससे घबराना नहीं है, इसको एक बार फेस करो, आधा एक घंटा दो, अभी आपके पास में 2 दिन का समय है, आधा एक घंटा दो, आराम से इसमें आप स्पीड ले आओगे, ठीक है ना। देखो मैं ये नहीं कहता कि पेपर बहुत आसान आएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया कि पेपर इजी आता है तो आपको हर टॉपिक को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ जाता है, बट अगर पेपर थोड़ा सा भी मॉडरेट या डिफिकल्ट आ जाता है तो उस केस में सेलेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चंस यानी कि सेलेक्टिव टॉपिक करके ही आप जीत सकते हैं। तो ये उन टॉपिक में से एक है कि आप क्या करें, सेलेक्टिव क्वेश्चंस इसके उठा लें और जल्दी करके आप अपने विनिंग स्कोर को ले लें, ठीक है। देखिएगा, अ मैंस स्पीड विद द करेंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करेंट इज 2.5। देखो विद करेंट का मतलब होता है धारा के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना है, 15 है, y कितना है, 2.5 है, राइट। तो मैन की स्पीड अगेनस्ट द करंट बतानी है, यानी कि s u बताना है, s अपस्ट्रीम बताना है। देखो मैंने कहा था आपको s इन अपस्ट्रीम अगर मुझे निकालना है तो मैं इसका डबल करके क्या करता हूं, इसमें से माइनस कर देता हूं। इसका डबल अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ये कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर था, ये कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। क्यों हो जाएगा, आप चाहो तो एक एक इस तरह से निकाल लो कि भाई एच डी, ठीक है, एच डी और माइनस एस यू बाई टू कितना होता है, वाई होता है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, जैसे आपकी इच्छा हो। बट अगर आप इसको रटोगे फॉर्मूले से करोगे तो टाइम लगेगा, मेरा तो ये कहना है कि वाई का डबल इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी वाई माइनस होने के बाद आया है, सॉरी जुड़ने के बाद आया है, भैया एक्स प्लस वाई ही तो है, मुझे चाहिए एक्स माइनस वाई, तो क्या करूंगा, 2y माइनस कर दूंगा, आ जाएगा, सिंपल सा गणित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी आंसर आएगा। अगला देखिए, ठीक क्वेश्चन है ये,
आराम से पढ़िए इसको, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन सुनिए। द बोट कवर 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट। 20 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर ही आना है, ठीक है भाई। द टोटल टाइम टुक द एंटायर जर्नी 7 आवर्स, 7 घंटे लगते हैं। तो एक चीज समझो, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है और डाउन स्ट्रीम आना है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये, और 7 घंटे का टाइम है टोटल। इसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वॉज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई आपको 3 किलोमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखना नहीं है, बट अभी मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ पोटेन स्टिल वाटर, यानी कि एक्स फाइंड आउट करना है। देखो एक तरीका तो ये ऑप्शन, अगर ये लिखते हो तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि जब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दिख रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेपर इजी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेक्निक काम करेगी कि जो 20 है इसके फैक्टर्स करके देखो। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 5, 2 एंड 2। इसके फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स का सम 7 आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो फैक्टर 5 और 2 है जिसका सम 7 आ रहा है, तो ये 5 प्लस 2 का सम 7 है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 कब आएगा, जब यहाँ पर 10 रहा होगा x प्लस 3 10 रहेगा, तो x की वैल्यू 7 आ गई। ध्यान से देखिए, 7 लोगे x की वैल्यू तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 7 लोगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन देखिएगा ये ट्रिक जो होती है हमेशा केसेस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू है, 7 इंटीजर वैल्यू है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा, आपको ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा, या फिर आप सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो मैं उसकी सलाह दूंगा ही नहीं आपको। मैं तो सीधे से कहूंगा इसको फैक्टराइज करके देख लो, इंटीजर है तो 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, जैसे मैंने अभी भी निकाला 10 सेकंड में आंसर आएगा, या फिर आप ऑप्शन से ट्राई करो, राइट। और अगर फिर भी कुछ नहीं बैठता तो आप इसको स्किप करने का भी सोच सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हर क्वेश्चन करना जरूरी है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिकी है, आराम से हो सकते हैं विद इन टाइम, तो करके देखिए। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, सॉल्यूशन बाद में सुनना। देखिए, अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक्स गिवन है, राइट। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वाई गिवन है। ही कवर्स अ डिस्टेंस ए टू बी एंड बैक ए टू बैक टू ए फ्रॉम बी, यानी कि ए से बी जाता है फिर बी से वापस ए आता है इन 6 आवर्स, 6 घंटे, ठीक है भाई। तो आप ये देखो, जाने की स्पीड होगी 4, आने की स्पीड होगी 2, 6 घंटे में ऐसा हो रहा है। आपसे पूछा है ए और बी का डिस्टेंस कितना, मैं इसका वर्बल सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मैंने कहा मान लो ऐसी वैल्यू मानो कि जब ये स्पीड आ रही है, तो हम डिवाइड करें, अगर किसका स्पीड का डिवाइड करें डिस्टेंस में, तो टाइम हमारे पास में आता है ना। क्या होता है स्पीड, टाइम क्या होता है, टाइम होता है स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। ये चीज हमें पता है, तो डिस्टेंस कुछ भी मान लो, मैंने कहा कुछ भी मान लो, तो मैंने ऐसा माना कि 4 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस मान लिया, तो होगा क्या, 4 किलोमीटर 4 की स्पीड से कवर होगा तो कितना, 1 घंटा लगेगा, और 2 की स्पीड से कवर होगा तो 2 घंटे लगेंगे, कुल मिला के 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में अपना आने जाने का काम पूरा हो जाएगा, अगर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस आप मानते हो तो। लेकिन यहाँ पे तो 6 घंटे बोला, डबल है तो डिस्टेंस भी डबल होगा, कितना होगा, 8 किलोमीटर। सिंपल सा तरीका है, देखो तरीका समझ में आया, नहीं आया तो देखो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कम समझ में आती हैं एक बार में। देखो डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं हम, जैसे अगर मैं एक्स मानता हूँ तो मेरे पास में स्पीड कितनी आ रही है, 4 आ रही है, डिवाइड करूँगा और फिर 2 डिवाइड करूँगा, टोटल कितना, 6 आएगा। इसको इसी तरह से तो सॉल्व करना है ना मुझे भाई, ये क्या, ये भी टाइम है, ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, और टोटल किया तो 6 घंटे। एलसीएम लो और सॉल्व करो, ये एक तरीका हुआ, ये तो एकेडमिक मेथड हुआ। मैंने कहा डिस्टेंस कुछ भी मान लो, जैसे मैंने 4 माना था, मैंने कहा 12 मान लो आप, तो अगर आप 12 मानोगे तो 4 का डिवाइड करोगे, 12 मानोगे तो 2 का डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और ये कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, 9 घंटे आएगा, लेकिन आ तो मेरा 6 घंटे रहे ना, तो 12 नहीं है आंसर, 12 का कितना है, 2/3 है, क्योंकि आप देखेंगे 9 से 6 पर आना है तो 2/3 हुआ ना इसका, तो 2/3 कर दो, 8 किलोमीटर आंसर है। कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा, डिस्टेंस कुछ भी मान लो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये करना है,
राइट या फिर ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन अपने पास में मौजूद है, ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हो। राइट चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए इसने क्या कहा, मैन कैन रो 4.5 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक्स के वन है 4.5 किलोमीटर पर आर, ही फाइंड्स दैट इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज, यानी कि आप देखेंगे ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप टू रो डाउन, यानी कि टाइम का रेशियो दिया हुआ है भैया उसने, 2:1 डबल का है ना, 2:1, इससे मुझे क्या मिलेगा, एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा, कैसे, 2+1 अपॉन 2-1 कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो 3:1 आ गया, देखो बोला था मैंने राइट और एक्स मुझे 4.5 गिवन है, ये कितना है 4.5 है तो ये कितना आएगा 1.5 आएगा, समझ में आया, तो देखोगे फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रेन कितना 1.5, ऑप्शन सी आंसर है। समझो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हैं बिना पेन पेंसिल उठाए, मुझे यहाँ पे टाइम का रेशियो दिख रहा है 2:1, तो अगर मैं कॉम्पोनेटिव डिविडेंडो 2+1 और 2-1 लगाता हूँ तो 3:1 आता है, जो कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड फ्लो ऑफ वाटर के रेशियो को बताता है, और फ्लो ऑफ वाटर मेरे को निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है, तो 4.5 अगर मेरा 3 है तो 1 कितना हो जाएगा 1.5, सिंपल तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही करना है आपको, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्यूशन खुद ट्राई करना है फिर इस सॉल्यूशन को देखना है। इसने कहा बोट कैन ट्रेवल 9.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 36 मिनट्स, या डाउनस्ट्रीम 36 मिनट्स में 9.6 आ रहा है, इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड तो अपन निकाल ही सकते हैं भाई, 9.6 डिवाइडेड बाय 36 मिनट्स है तो 36 इंटू 60 ये क्या जाएगा, 12×5=60, 12×3=36, 3 से काटोगे कितना 16 किलोमीटर पर आ, या की क्या आ गई स्पीड आ गई राइट, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 10% द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। तो देखो कि भाई इसने क्या कहा, स्पीड ऑफ वाटर यानी कि वायर, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 10% द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो होती है एक्स प्लस वाई, इसका क्या है 10% है, 10% होने का मतलब है मेरे पास में क्या आ गया, रेशियो आ गया एक्स और वाई का, कैसे आप देखोगे 1/10 है, 10y = x + y, तो x अपॉन y कितना आ जाएगा 9/1, यहां तक समझ में आ रहा होगा क्या आ जाएगा 9/1। अगर ये 9/1 आ रहा है बेटा तो एक चीज सोचो, मुझे ये क्या गिवन है डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई गिवन है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हाउ मच टाइम विल टेक बोट विल बोट टेक टू ट्रेवल 38.6 अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए, तो देखो मुझे x प्लस वाई यानी कि 10 पता है, 10 कितना है 16, मुझे x माइनस वाई यानी कि 8 चाहिए, 8 कितना होगा, यानी कि इसका 20% कम कर दो, इसका 20% कितना होगा 3.2, समझ में आ रहा है, इसका 20% क्यों, देखो मैंने बोला था डाउनस्ट्रीम पता है 2y माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा अपस्ट्रीम आ जाएगा, तरीका समझ में आ रहा है, तो इसके 10% का डबल, क्योंकि 10% अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आएगा, तो मैं 20% माइनस कर देता हूं, सीधी सी बात है कितना आ जाएगा 14.8 क्या आ रहा है किलोमीटर पर आर मेरे पास में स्पीड आ जाती है इन अपस्ट्रीम। अब इससे मुझे 38.4 डिस्टेंस कवर करना है 14.8 से, ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है, 14.8 से ये डिस्टेंस कवर करना है, तो ये 14.8 मैंने गलत लिख दिया, 12.8 है, सॉरी 12.8 है, ये 12.8 से कवर करना है ना, 12.8 मैंने वो 18 में से या पता नहीं किस में से माइनस किया, मेरे को भी याद नहीं, हम 18 में से शायद मैंने माइनस कर दिया, 12.8 आएगा, काटोगे तो 3 बार जाएगा यानी कि 3 घंटे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर राइट। तो 38.4 में अगर आप डिवाइड करोगे किसका, अपस्ट्रीम का स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो आपके पास में टाइम आ जाएगा, टाइम पूछा है 3 घंटे, ठीक है इसको समझना कि किस तरह से मैंने किया है सॉल्यूशन, बड़ा सिंपल मैंने बताया, देखो ये आपको कैलकुलेशन अगर मेंटली करना आ गया तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ जाएगी। अगला देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको सबसे पहले तो वही देखिए वीडियो को पॉज करके आपको एक बार खुद ट्राई करना है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x इज 5 times द स्पीड ऑफ करंट, x बाय y कितना दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है, यानी कि एच डी अगर मेरे को निकालना है और एस यू निकालना है तो 5+1=6 और 5-2=3/2 आ जाएगा राइट।
अब इसने कहा इट टेक्स 1.1 आवर टू रो टू पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड देखो 3 है, मैं 3K मान लेता हूं, ठीक है, ये स्पीड आ गई। इसमें टाइम लग रहा है 1.1 आवर का, स्पीड इनटू टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस मुझे बताओ, डिस्टेंस पॉइंट ए टू बी इज 13.2, राइट। तो अगर मैं इसको कट करता हूं तो देखो ये 12, 12 से इसको काटोगे तो 4, यानी कि के की वैल्यू 4 आ जाती है, यानी कि स्पीड क्या आ गई, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम आ गई 3, 4 जा 12 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना आ गया, 4, 2 जा 8 किलोमीटर पर आवर ये आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 312 मिनट्स अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 312 मिनट में कितना कवर होगा, तो 8 किलोमीटर पर आवर से 312 मिनट में, यानी कि आर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 5 60 और 12 2 24 और 12 6 72, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट कितना आएगा, 5.2 आ जाएगा, 8 5 40 40 और 1.6 41.6 अपने पास में आ जाएगा किलोमीटर, ये अपना आंसर आता है 41.6 ऑप्शन सी, ठीक गाइस। यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको 30 सेकंड में हो जाएगा अगर आप इस तरह से करते हैं, अदरवाइज आपका टाइम लग जाएगा, क्योंकि सोचना करना, फॉर्मूले ढूंढना करना ये नहीं है, मैंने तो डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन की अप्रोच बताई है, अप्रोच से करवाया, फॉर्मूला इनिशियली याद करने को कहा है, समझने को कहा है, रटने को नहीं कहा है, ठीक है। अगला कुछ भी नहीं है, बस लास्ट आपको मैंने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर आरआरबी 2021। आई होप यू गाइस यू विल डू योर बेस्ट, और इस बार पेपर अपने को निकालना है किसी भी तरह से। तो आज मैं सेशन यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ अपने, क्योंकि जो भी मेरे पास में फीडबैक आया आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी क्लासेस ली हैं, काफ़ी बच्चे पहले से तैयार थे, कुछ बच्चे अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहो। देखो अगर स्कोर थोड़ा बहुत कट ऑफ से कम भी आ रहा है या ज़्यादा कम भी आ रहा है तो देखो परेशान मत हो, एग्जाम कैसा होगा किसी को नहीं पता, ठीक है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि मेरी कहाँ कमी है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, उसको करने से बचना है। और एग्जाम अगर इजी हुआ तो जिसका स्कोर कम भी आ रहा है वो भी कट ऑफ क्रैक कर सकता है, मतलब कट ऑफ क्लियर कर सकता है, एग्जाम क्रैक कर सकता है, क्योंकि पेपर जब इजी होता है तो जिसके बेसिक्स क्लियर होते हैं उसको बहुत फायदा मिलता है, उसको स्पीड मेंटेन करने को मिल जाती है। लेकिन पेपर थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्ट होता है तो नॉलेज बेस थोड़ा सा चाहिए होता है, सेलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो जिसका देखो तैयारी अच्छी है वो प्रे करो कि पेपर मॉडरेट डिफिकल्ट आए, और जिसकी तैयारी बहुत कम है वो प्रे करो कि पेपर बहुत ही इजी आए, ताकि क्या हो, हम एक बार में पेपर को क्रैक कर पाए, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, हैव अ गुड डे।